गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में आपको मैं सर्वे का एक बेसिक है हमारा बियरिंग। बियरिंग में भी आपने अगर कोई एंगल मेजरमेंट किया है, ठीक है, तो एंगल जो हमारा है वही बियरिंग है किसी भी लाइन का। मेरिडियन से जो एंगल, अगर वो लाइन जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनाती है, उसको ही हम लोग बियरिंग कहते हैं। इन यहाँ पर जो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बियरिंग, कि आपने एंगल मेजर कर लिया लेकिन उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा मेरी सर्वे बुक में, या फिर मैं मेरी कैलकुलेशन में कैसे लिखूंगा उसको। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन मतलब कि कैसे लिखूंगा। उसके दो तरीके होते हैं, होल सर्कल बियरिंग एंड रिड्यूस बियरिंग। तो होल सर्कल बियरिंग को हम लोग डब्ल्यू सी बी कहते हैं और रिड्यूस बियरिंग को आरबी। रिड्यूस बियरिंग को ही हम लोग क्वाड्रेंट बियरिंग कहते हैं। ठीक है, तो पहले जो हम होल सर्कल बियरिंग, मतलब जैसे हम जनरल एक हमारा एंगल लिखते हैं वैसे ही है। ठीक है, तो एक बार होल सर्कल बियरिंग को लेता हूँ मैं, जो कि मेरे लेफ्ट साइड में बना हुआ है, और राइट साइड में जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वहाँ पर मैं आपको रिड्यूस बियरिंग समझाऊंगा। लेकिन मैंने अभी कुछ वहाँ पे, ये जो आपको राइट साइड वाला स्केच दिख रहा है वो अधूरा है। ठीक है, उसको मैं साथ साथ में पूरा करूँगा समझाते समझाते। तो अभी हमारे पास में बेसिकली चार क्वाड्रेंट हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो मैंने चार केस ले लिए हैं कि लाइन ओ ए, लाइन ओ बी, लाइन ओ सी और लाइन ओ डी हैं अगर। तो हमने क्या किया, एक बार प्रोसेस फटाफट देख लेते हैं। ओ पे मैंने मेरा कंपास सेट किया या कोई भी इंस्ट्रूमेंट सेट किया, नॉर्थ और नॉर्थ को एक बार साइट किया और एक बार ए को साइट किया, और उस तरह से मैंने एंगल मेजर किया। सेम तरीके से जब नॉर्थ और बी के बीच में एंगल मेजर किया तो वो थीटा बी। तो कैसे लिखा जाता है, अगर आपके पहले दो में अगर आप देखें नॉर्थ से ईस्ट के बीच में, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर कोई एंगल आया मेरा, तो बेसिकली हम हमेशा बियरिंग को नॉर्थ के रेफरेंस में लिखते हैं। ठीक है, अगर आप सीधा सीधा बियरिंग मेजर कर रहे हो कंपास से, तो वो मुझे कहाँ से देगा, नॉर्थ के रेफरेंस में देगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे हर कोई थीटा ए है, नॉर्थ से शुरू हो रहा है। ये मेरा बी लाइन का एंगल थीटा बी, वो भी नॉर्थ से। सी लाइन का एंगल यहाँ पे बनाया मैंने थीटा सी, नीचे की तरफ अंदर ये छोटा सा, तो ये भी नॉर्थ से है। और डी लाइन का एंगल जो मैंने मेरे थीटा डी है, वो भी नॉर्थ से है। तो इस तरीके से मेरे पास चार हैं, जो भी मेरी रीडिंग आएगी उसको मैंने सीधा सीधा लिख लिया। और रीडिंग किस तरीके से हो सकती है, जैसे कि लाइन ए ओ ए का देखूँ मैं, तो थीटा वेरी करेगा मेरा 0 से 90 के बीच में। फिर मैं ओ बी की बात करूं तो थीटा वेरी करेगा मेरा 90 से 180 के बीच में। ओ सी की बात करूं तो थीटा वेरी करेगा 180 से 270 के बीच में। और ओ डी की बात करूं तो थीटा वेरी करेगा 270 से 360 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो बेसिकली मेरे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में आ सकता है। सो थीटा की रेंज क्या है मेरी, 0 डिग्री से 360 डिग्री। तो ये है मेरी होल सर्कल बियरिंग। ठीक है, अब होल सर कैलकुलेशन में यूज़ करने के लिए हम लोग साइन कन्वेंशन, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेटिट्यूड डिपार्चर ये वो सब में साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो हम जनरली हर न्यूमेरिकल में क्या करते हैं कि हम, अगर हमने रीडिंग कोशिश करते हैं हम फील्ड पे रिड्यूस बियरिंग में रीडिंग लें, लेकिन अगर हमारी होल सर्कल बियरिंग में रीडिंग आई है तो उसको हम रिड्यूस बियरिंग या फिर क्वाड्रेंट बियरिंग आर बी या फिर क्यू बी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कन्वर्जन सीखना बहुत ज़रूरी है। अब रिड्यूस बियरिंग में क्या होता है कि सपोज ये लाइन जीरो, रिड्यूस बियरिंग में हमेशा, मैं आपको थोड़ा रफ में कुछ चीज़ें बता देता हूँ, रिड्यूस बियरिंग में डब्ल्यू सी बी में क्या होता है मेरा, यहाँ पे डब्ल्यू सी बी की बात कर देते हैं, यहाँ पे रिड्यूस बियरिंग की बात कर देते हैं। ठीक है, अब डब्ल्यू सी बी में क्या होता है मेरा, हमेशा नॉर्थ से एंगल मेजर किया जाता है, लेकिन रिड्यूस बियरिंग में क्या होगा, नॉर्थ साउथ जो मेरी मेरिडियन है उसके रेफरेंस में मेजर किया जाएगा एंगल। ठीक है, तो नॉर्थ या फिर साउथ के रेफरेंस में किया जाता है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर क्या देखना होगा, किससे मेजर करोगे फिर, अब नॉर्थ या फिर साउथ, तो कब नॉर्थ से करोगे कब साउथ से करोगे। तो एक बार फिर से यहाँ पे बना देते हैं, मेरा नॉर्थ है मेरा साउथ है। तो अगर मेरे लाइन के नियरेस्ट साउथ पोल है तो मैं साउथ से मेजर करूँगा। ठीक है, तो मैं साउथ से मेजर करूँगा। अगर वो मेरे लाइन के नियरेस्ट
मेरा अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ से मेजर करूँगा। ये एक बेसिक चीज़ है, तो उसको अब हम एक एक करके देखते हैं। जैसे कि क्वाड्रेंट वन, यहाँ पर ओ है, ठीक है, तो ओ ए लाइन, अगर ओ ए की बात करें तो यहाँ पर जो उसका डब्ल्यू सी बी में एंगल था वो था थीटा ए, ठीक है। तो अब थीटा ए के पास में कौन सा है, नॉर्थ, ठीक है। लाइन ए के नियरेस्ट क्या है नॉर्थ और साउथ में से, तो नॉर्थ। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो मेरा एंगल होगा रिड्यूस बियरिंग में थीटा ए, और उसको लिखा कैसा जाएगा, नॉर्थ थीटा ए, और नॉर्थ से कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट की तरफ, तो नॉर्थ थीटा ए ईस्ट। इस तरीके से ओ ए का रिड्यूस बियरिंग लिखा जाएगा, ठीक है। अब लाइन बी की बात करें तो थीटा बी मेजर करने के लिए डब्ल्यू सी बी में कहाँ से किया था, नॉर्थ से किया था हमने पूरा एंगल, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियस बियरिंग में आपका नियरेस्ट पोल कौन सा है, साउथ। तो साउथ से मेरा बी का एंगल कितना बन रहा है हॉरिजॉन्टल, ये एंगल मेरा हो जाएगा थीटा बी। इसको कैसे लिखा जाएगा, साउथ थीटा बी, और साउथ से कौन सी तरफ, ईस्ट में, साउथ, ऐसे लिखेंगे। अब सी के लिए, सी में नियरेस्ट क्या है, साउथ है, तो आपने ये जो एंगल है, मतलब कि साउथ से मेरा वेस्ट की तरफ, वो एंगल क्या होगा, थीटा सी। और लास्ट क्या होगा, यानी नियरेस्ट क्या है मेरा, नॉर्थ है ओडी के, तो ये एंगल मेरा होगा वो थीटा डी होगा। तो नॉर्थ से मेरा वेस्ट की तरफ जो एंगल है वो मेरा होगा थीटा डी। तो इस तरीके से हमारा रिड्यूस बियरिंग में चारों क्वाड्रेंट में जब एंगल होते हैं तो इनका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, और इस तरीके से इनको मेजर किया जाता है। तो बेसिकली आपको क्या है, दोनों स्केच को कंपेयर करना है। बहुत सारी बुक्स में क्या लिखा रहता है कि फॉर्मूले, कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 90 प्लस करो, इसमें है तो, या जो भी है, मैं रैंडम बता रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वैसे का वैसा लिख दो, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 180 से माइनस करो, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो एंगल में से 180 माइनस करो, ये वो। हम इतना सारा अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें होती है जो मेमोराइज करने के लिए होती हैं ऑलरेडी। तो ये जो चीज़ें जो स्केच से हो सकती हैं कंपेयर करके, उनको आप मेमोराइज मत कीजिए। हाँ, लेकिन हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि रिड्यूस बियरिंग में मेरा हम या तो नॉर्थ पास में रहेगा, जैसे कि लाइन अगर यहाँ आ गई तो 90 डिग्री क्रॉस किया तो फिर उसके साउथ पास में हो जाएगा। तो बेसिकली मेरी रेंज क्या है, थीटा की लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। तो जीरो से 90 के बीच में मेरा एंगल रहने वाला है हमेशा, ठीक है, रेडियस बियरिंग में या फिर क्वाड्रेंट बियरिंग में। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, हमको ऐसे समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, कुछ एग्जांपल्स और क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिए कि क्वेश्चन लिया है मैंने, कन्वर्ट डब्ल्यू सी बी इंटू आर बी, डब्ल्यू सी बी को रेडियस बियरिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, क्या है, 125 डिग्री 20 मिनट। अब 125 डिग्री 20 मिनट कहाँ आएगा डब्ल्यू सी बी में, यहाँ पे एक बार हम बना के देखते हैं उसको। तो ये ऐसा कुछ होगा नॉर्थ, ठीक है, और 125 डिग्री मतलब कहाँ होगा लाइन, कुछ सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, 90 से ज़्यादा और उससे कम, 180 से कम, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एंगल है मेरा उसको मैं लिख सकता हूँ 125 डिग्री 20 मिनट, ठीक है, 125 डिग्री एंड 20 मिनट्स। अब इसको मुझे WCB में कन्वर्ट करना है, तो WCB में ये जो लाइन है मेरी उसके नियरेस्ट क्या है, साउथ है, और वो किस तरफ लाइन मेरी जा रही है, ईस्ट की तरफ, तो साउथ ईस्ट तो आ जाएगा, और एंगल कौन सा होगा, एंगल होगा आपका साउथ से ईस्ट की तरफ जो एंगल बन रहा है वो, मीन्स ये एंगल, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, तो ये एंगल मुझे मेजर करना है। अब 125 डिग्री एंगल कौन सा था, ये टोटल नॉर्थ और साउथ के बीच में एंगल कितना रहता है, 180 डिग्री,
तो 180 डिग्री में से 125 डिग्री 20 मिनट को माइनस कर दीजिए, तो 126 का 40 सेकंड तो ये आ गया, 40 मिनट आ गया सॉरी, और 54 डिग्री। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, साउथ साउथ 54 डिग्री 40 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला। अब 295 डिग्री 40 मिनट है, तो 295 कहाँ आएगा मेरा, 295 मीन्स 180 से ज़्यादा और 270 से भी ज़्यादा, तो यहाँ कहीं आएगा। अब ये लाइन कहाँ पे मेरी बन रही है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ये एंगल मुझे चाहिएगा। ठीक है, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, और टोटल एंगल कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, 295 डिग्री 20 मिनट दे रखा है, क्योंकि हमें WCB में दे रखा है। अब 290, अब टोटल कितना था, 360, तो 360 डिग्री में से आपका जो एंगल दे रखा है 295 डिग्री 40 मिनट, उसको माइनस कर दीजिए, तो बेसिकली आया 64 डिग्री 20 मिनट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ नॉर्थ वेस्ट 64 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा WCB से रिड्यूस बेयरिंग में या फिर क्वाड्रेंट बेयरिंग में। अब क्वाड्रेंट बेयरिंग से WCB में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको दे रखा है नॉर्थ वेस्ट 29 डिग्री 15 मिनट। अब नॉर्थ वेस्ट 29 डिग्री 15 मिनट मतलब कहाँ पे है मेरा, अब नॉर्थ तो इधर है और वेस्ट मेरा यहाँ है, तो बेसिकली मुझे ये लाइन दे रखी है और उसका एंगल दे रखा है ये वाला। और WCB में कौन से एंगल को लिखते हैं हम लोग, सॉरी WCB में हम लोग कौन से एंगल को लिखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के। तो बेसिकली आप क्या कीजिए, 360 डिग्री में से 29 डिग्री 15 मिनट को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा मेरा पूरा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 330 डिग्री 45 मिनट, 330 डिग्री 45 मिनट। और लास्ट क्या है, साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट कहाँ है मेरा, साउथ ईस्ट है मेरा ये वाला। अब ये एंगल दे रखा है 29 डिग्री 15 मिनट, ठीक है, और WCB क्या होगी यहाँ पे, ये वाली। तो टोटल 180 में से 29 डिग्री 15 मिनट को माइनस कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा आपका, तो 180 में से माइनस करते हैं तो कितना आता है, 150 डिग्री 45 मिनट। तो इस तरीके से बेसिक ये कंसेप्ट है मेरा WCB और रिड्यूस बेयरिंग में कन्वर्ट करने का, कि कैसे WCB से रिड्यूस बेयरिंग को कन्वर्ट किया जाता है और कैसे रिड्यूस बेयरिंग से WCB में। मैं अभी भी यही कहूँगा कि आप सिर्फ स्केच का यूज़ कीजिए एग्जाम में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको मेमोराइज मत कीजिए जो फॉर्मूले दिए होते हैं कि 180 में से माइनस करना है या ये करना है वो करना है। ठीक है, और कोई डाउट हो आपको तो आप कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पासवर्ड के स्टूडेंट्स गूगल क्लासरूम पे कमेंट कर सकते हैं। और आपको कोई और टॉपिक लग रहा है तो आप मुझे, जैसा कि आप कर रहे हैं, ये भी मुझे मेल में ही मिला था कि सर WCB और रिड्यूस बेयरिंग का एक डिफरेंस के लिए एक दो एग्जांपल लेके समझा दीजिए, तो आप उस तरह से मुझे मेल भी कर सकते हैं, जिसको मैं एक वीडियो लेक्चर के रूप में फिर आपको बता दूंगा। थैंक यू।